भारत की हार की। दरअसल क्रिकेट में भारत की बड़ी हार हुई, करोड़ों जो क्रिकेट प्रशंसक है भारत की टीम के वो निराश हो गए। श्रीलंका से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी भारतीय टीम को, बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं चली, टॉप ऑर्डर भी बिखरा, मिडिल ऑर्डर भी बहुत कुछ खास नहीं कर पाया और आखिरकार गेंदबाजी भी नहीं चली। गेंदबाजी में भी भारत बहुत बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं रहा और आखिरकार भारत की हार हुई। और जो उम्मीदें पाल रखी थी भारतीयों ने कि पाकिस्तान से हमारे और पाकिस्तान से हार का बदला हम फाइनल में 11 तारीख को लेंगे, लेकिन वो बदला नहीं ले पाएंगे क्योंकि भारत फाइनल में पहुंचा ही नहीं है। श्रीलंका से भारत को हार का सामना करना पड़ा है और निराश हो गए भारतीय क्रिकेट प्रशंसक। ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द हम बदला लेंगे पाकिस्तान से, लेकिन जो संडे को हार मिली पाकिस्तान के हाथों उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मीनाक्षी, बिल्कुल, 4 सितंबर को जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था और भारत हार गया था, पाकिस्तान जीत गया था, तब दर्शक ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं फाइनल का जो मुकाबला है वो दिलचस्प होगा। 11 तारीख को यानी कि संडे के दिन फिर से दोनों टीमें टकराएंगी और हमें देखने को मिलेगा जीत के तौर पर भारत को। लेकिन अब सवाल खड़े हो गए हैं, जिस तरीके से कल श्रीलंका से भारत की हार हुई है, क्या भारतीय टीम उसी तरीके से तैयार थी कि आखिरकार वो फाइनल में पहुंच जाए और जीत करके सामने आए। लेकिन अब आप ये समझिए कि एशिया कप के बड़े रिकॉर्ड क्या है जिसमें भारत का नाम शामिल है। हालांकि टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट को अब तक 7 बार अपने नाम किया है, लेकिन अब ये रिकॉर्ड ही है। उम्मीद की जा रही थी 8वीं बार भारत जीतेगा, लेकिन भारत की उम्मीदों पर पानी फिर गया। भारत के बाद श्रीलंका ने 5 बार और पाकिस्तान ने 3 बार ये टूर्नामेंट जीता है, लेकिन इस बार भारत इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया श्रीलंका से हार के बाद। बिल्कुल, एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी श्रीलंका के पूर्व महान बल्लेबाज सनत जयसूर्या के पास है और जिस तरीके से कल उन्हें जीत मिली है उसके बाद अब सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार तैयारी यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से क्या थी। एशिया कप में 23 मैच में 971 रन बनाने का रिकॉर्ड है, तो चलिए ये सब रिकॉर्ड की बातें हो गई है, लेकिन कल के मैच की भी बात जरूरी है। कल के मैच में भारत न बल्लेबाजी में बहुत अच्छा दिखाई दिया और न ही गेंदबाजी में, इस वजह से श्रीलंका जिसे कमजोर आंका जा रहा था, जिसके बारे में कहा जा रहा था श्रीलंका से भारतीय टीम जीत जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं होगी, लेकिन हम मैच हार गए और हम जो उम्मीदें लगा करके बैठे थे कि हम फाइनल जाएंगे और फाइनल में पाकिस्तान को हराएंगे, उम्मीदों पर पानी फिर गया। रवीश मिश्र हमारे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। रवीश, निराशा हाथ लगी श्रीलंका जैसी टीम के सामने, आप ना तो आपकी अच्छी बल्लेबाजी चली और ना ही गेंदबाजी चली। भुवनेश्वर कुमार ने फिर से 19वें ओवर में निराश किया। जी हाँ, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है टीम इंडिया की थ्रू आउट दिस एशिया कप। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि एशिया कप का एक ट्रेडिशन रहा कि इंडिया और पाकिस्तान कभी फाइनल में भिड़े नहीं है एशिया कप के, और इस बार भी वो ट्रेडिशन जो है वो जारी रहेगा। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो फाइनल में नहीं भिड़ पाएंगे क्योंकि इंडिया इज ऑलमोस्ट आउट, मतलब 99% वी आर आउट। अगर टेक्टिकली देखा जाए तो बहुत इफ्स एंड बट्स हैं और वो टेक्टिकल थिंग्स ये कहती हैं कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा दे, भारत अफगानिस्तान को हरा दे और फिर श्रीलंका पाकिस्तान को हरा दे और फिर अगर बेहतर रन रेट हो तो एक आउटसाइड चांस है, बट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल जो कि सोचा जा रहा था वो तो बिल्कुल भी कार्ड्स में नहीं है। भारत की कैंपेन खत्म हो गई है, बहुत पुअर क्रिकेट भारत ने यहाँ पे दिखाई है थ्रू आउट फ्रॉम द फर्स्ट मैच, जहाँ हम रो रो कर पाकिस्तान से पहला मैच जीते, हांगकांग ने भी हमें कड़ी टक्कर दी, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने हमें हराया और फिर श्रीलंका भी हमें धोके चला गया। तो पूरे एशिया कप में अगर इंडियन कैंपेन की बात की जाए तो नॉट अप टू द मार्क, बल्लेबाजी भी ऐसी नहीं रही जिसपे हम विश्वास कर सकें कि वर्ल्ड कप में जाके हमें मैच जिताएगी, क्योंकि एक खिलाड़ी खड़ा रहता है, बाकी के आसपास के खिलाड़ी अपने 10-10, 15-15 रन बनाकर विकेट फेंक के चले जाते हैं। गेंदबाजी हमारा बहुत बहुत ज़्यादा वीक पहलू रहा जो कि पाकिस्तान मैच में भी नजर आया और श्रीलंका मैच में भी नजर आया। अगर आपकी गेंदबाजी स्ट्रांग होगी तो वो आपके टोटल को डिफेंड कर पाएगी, बट अगर आपकी गेंदबाजी इस तरीके की है तो भैया फिर तो आपको 200-225 रन बनाने पड़ेंगे तभी आप मुकाबले जीत पाएंगे, वरना यहाँ गलती किसकी रही, सेलेक्टर्स की या फिर टीम इंडिया की, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस थे, जिन्हें लग रहा था कि जीत जाएंगे, श्रीलंका जैसी टीम का हम सामना कर पाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो चारों खाने चले।
देखिए सबसे बड़ी गलती तो सेलेक्टर्स की रही मीनाक्षी, क्योंकि उन्होंने पेसर्स नहीं दिए इस टाइप के विकेट्स में, जहां पे कि दूसरी टीमें ज्यादा पेसर्स पे रिलाई कर रही थी और जहां पे कि ग्रास मिला विकेट के ऊपर वहां पर आप ज्यादा एक्स्ट्रा कुशन लेके नहीं गए पेसर्स का। आपने लिमिटेड पेसर्स दिए, उसमें भी एक हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर को हम कंसीडर कर लें तो चार पेसर हो जाते, तो पेस अटैक भारत के पास था ही नहीं। अब अर्शदीप बड़े यंग, फिर अवेश खान भी थे वो भी यंग, फिर भूवी में थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, बट यू नीड बोलर्स ना, यू नीड 2-3 बोलर्स जो कि आपको बैक कर सके। सिर्फ एक बॉलर के बेसिस पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप पूरा एशिया कप का कैंपेन चला लेंगे तो वो मुझे नहीं लगता लॉजिकली था। कमिंग बैक टू दिस मैच, हाँ भारत के पास कुछ फोर्स चेंजेस हुए क्योंकि रविंद्र जडेजा इंजर्ड हो गए, तो भाई आपको हुड्डा को लाना पड़ा और कुछ टेक्टिकल एरर्स रहे टीम मैनेजमेंट की तरफ से जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान से जब मैच हम हारे तो उस दौरान पे जो कप्तान है वो साफ तौर पर ये कह रहे थे मिडिल ऑर्डर की गलती है, इस बार हार का ठीकरा किसी पर मढ़ रहे हैं। नहीं देखिए, रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे कल और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा था कि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर वर्क करना पड़ेगा, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, भूवी को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने इतने सारे मैचेस में हमें जीत दिलाई है। तो रोहित शर्मा का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहना था कि सिर्फ दो मैचेस के बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि भुवनेश्वर कुमार खराब गेंदबाज हैं या कोई और खिलाड़ी खराब गेंदबाज है। तो उन्होंने हार का ठीकरा किसी के सर नहीं फोड़ा, उन्होंने यही कहा कि हम कंटिन्यूअसली सीरीज जीतते हुए आ रहे थे, हम इंग्लैंड में जीते, वेस्ट इंडीज में जीते, हम जिम्बाब्वे में जीते और उसके बाद हम यहां आए थे, तो हम कंटिन्यूअसली सीरीज जीत रहे थे, आयरलैंड भी जीती। तो वो कह रहे थे कि यहां पर सिर्फ दो मैचेस के बेसिस पे हमारी टीम का आकलन करना गलत होगा। लेकिन मीनाक्षी सबसे बड़ा सवाल ये कि बायलैटरल सीरीज तो हम विराट कोहली की कप्तानी में भी जीत रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से जीत रहे थे। सवाल भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का और फैंस का ये है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स कब जीतेंगे, लाइक एशिया कप, लाइक वर्ल्ड कप, वो तो विराट कोहली भी करके दे रहे थे। में आप क्लीन स्वीप कर देते हैं और जब बात आती है यहाँ पर टीमों के साथ खेलने की तो आप धराशायी हो जाते हैं रवीश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप एशिया में नंबर वन नहीं हो पाए, वर्ल्ड में नंबर वन क्या बनेंगे? उम्मीदों को झटका लगा है क्या? क्या क्रिकेट फैंस को भी लग रहा है कि तैयारी टीम की ऐसी है, हमें एशिया कप में तैयारी दिखनी चाहिए थी और जो फाइनल 11 हो सकता था या फाइनल 15 वो यहां पर खेलता हुआ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे बदलाव भी दिखे। मेरा सवाल यह है कि क्या T20 वर्ल्ड कप को लेकर के झटका लगा है इस हार के बाद? देखिए कल रोहित शर्मा से भी कुंदन यही सवाल पूछा गया था, लेकिन रोहित शर्मा ने कहा कि चिलेक्स एटमोसफियर है, वी ऑल आर रिलैक्स, हम ये दो जो हार हुई हैं इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप देखें कि यहाँ पे जैसे इंजरी कंसर्न हुआ, रविंद्र जडेजा चले गए तो टीम का बैलेंस बिगड़ गया आपका, आपके पास एक लेफ्ट आर्म बॉलर था, एक बैट्समैन था, उसकी वजह से फिर आपको ऋषभ पंत को लाना पड़ा, तो बैलेंस जो था ना वो प्लेयर के जाने से बिगड़ गया। अभी क्या है, इंडिया की बॉलिंग डेफिनेटली यहाँ पे वीक लग रही है, ऑस्ट्रेलिया में तो आपको हार्ड एक मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न ये कि जसप्रीत बुमराह वो कब फिट होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हम बात कर रहे थे फैन से, खिलाड़ियों से, उनका यही कहना था कि बुमराह की कमी भारत को बहुत खल गई। बुमराह होते तो शायद एक एक्स्ट्रा पेस होता इंडिया के पास, एक ऐसा बॉलर होता जो डेथ में और अर्ली ऑन आपको विकेट दिला सकता था। तो डेफिनेटली ये देखना होगा कि क्या वर्ल्ड कप के लिए जसप्रीत बुमराह फिट हो पाएंगे, हर्षल पटेल फिट हो पाएंगे, क्या मोहम्मद शमी को भारतीय टीम इंक्लूड करेगी, ये सारी चीजें जो अब सेलेक्टर्स को सोचनी पड़ेगी। शोएब अख्तर कह रहे हैं कि वेकअप कॉल है इंडिया के लिए और बहुत सही वेकअप कॉल है, यहां से आप अपनी तैयारियों को देख सकते हैं। रोहित शर्मा ने कल पीसी में आकर कहा कि ऑलमोस्ट हमारी टीम कंप्लीट है, 95% टीम कंप्लीट है, एक दो प्लेयर हमें देखने, और वो साफ इशारा उनका एक दो प्लेयर्स की तरफ जो था उसमें जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की तरफ था, अदरवाइज तो उनका कहना है कि सेम ही टीम जो है वर्ल्ड कप की तरफ जाएगी। तो बस ये एक वेकअप कॉल के तौर पे इसको भारतीय टीम को लेना चाहिए कि यहां पे जो हमसे गलतियां हुई है उनको फटाफट देखें। दो सीरीज और है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आपको खेलनी है फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ताकि आगे चल के जब वर्ल्ड कप में उतरे तो पूरी तैयारी के साथ उतरे। बहुत शुक्रिया रवीश आपका तमाम जानकारी के लिए।